रखते हैं। पूज्य श्री कृपया निरासक्त आनंद से क्या तात्पर्य है समझाने का अनुग्रह करें। देखो, आनंद जब दूसरे में होता है ना, तो जिस विषय में आनंद मानोगे उसके साथ चिपके रहने का मन होगा, किसी का नाम आसक्ति होगी। आसक्ति माने आ माने पूरी तरह से, शक्ति माने सक जाना। तो आदमी किसके साथ पूरी तरह सक जाएगा, जिसको आनंद माने। तो जब दूसरे में आनंद मानेगा, स्त्री में, पुत्र में, धन में, कुर्सी में, तब उसके साथ वो चिपक जाएगा, इसी का नाम आसक्ति है। लेकिन जब अपने आत्मा को आनंद रूप अनुभव करेगा, वो आनंद रूपम परमम यद विभाति, जो परमानंद स्वरूप है, तब उसको किसी से चिपकने की जरूरत नहीं रहेगी। दूसरे में आनंद मानेगा तो सटने की जरूरत होगी, तनाव बना रहेगा, उसको पकड़े रखो, नहीं तो कहीं तुम्हारे हाथ ढीले पड़ जाएंगे तो उसको छोड़ के गिर पड़ोगे और वो कहीं सरक जाएगा। दूसरे में आनंद होगा तो सरकने का भी डर है और अपना हाथ ढीला पड़ने का भी डर है। लेकिन जब अपना आप ही आनंद होगा तो न उसके सरकने का डर है और न उसकी पकड़ ढीली पड़ने की डर है। इसलिए परमानंद स्वरूप जदल्पम तन्मर्त्यम जो वही भूमा तत् सुखम, जो छोटी चीज है वो मरने वाली है और जो अनंत है भूमा है वही सुख स्वरूप है। आनंदो ब्रह्म इति जाना, विज्ञान यह हुआ कि आनंद ब्रह्म है। ब्रह्म है माने सब देश में, सब काल में, सब वस्तु में, सब अवस्था में, और जहां देश काल वस्तु अवस्थाएं नहीं है वहां भी उनके अभाव में भी है और उनके भावाभाव दोनों का प्रकाशक है। ये भाव अभाव दोनों जो है ये ज्ञान में ही है। अभाव में भी द्वैत रहता है, अज्ञान में है दोनों। संसार के जितने भाव हैं, अज्ञान अगर भाव रूप न होता तो आवरक न होता, और यदि अभाव रूप न होता तो भाव का अभान होने पर वो मिट जाती। इसलिए भावा भाव दोनों ही दशा में अज्ञान है। जिसको अपने स्वरूप का बोध हो जाता है उसके लिए न प्रपंच का भाव है न अभाव है, बस आपसे ही सिद्ध होते हैं। घड़ा है घड़ा नहीं ये दोनों आप ही देखते हैं, और प्रतियोगी सापेक्ष होता है अभाव। जिसने घट को देखा है उसी को घटा भाव का ज्ञान होता है। इसलिए दोनों दृश्य कोटि में ही है। वेदांती लोग अधिष्ठान का ज्ञान होने पर अधिष्ठान से पृथक अभाव को नहीं मानते हैं, वो बात इसलिए है। एक दिन की बात है, बाबा आगरा में एक बगीचे में घूम रहे थे, भगवतदास जी का बगीचा है। एक आर्य समाजी सज्जन आए, बोले कि बाबा तुम लोग अद्वैत अद्वैत बोलते हो, यहाँ तो तीन तत्व तो है। क्या तीन तत्व तो है? एक जीव है, एक ईश्वर है, एक माया है। बोले पूछा बाबा ने कि माया कहाँ है? बोले क्या है? पेड़ है, पौधा है, जो जड़ है इसका नाम माया है। तो बाबा बोले कि ये तो माया नहीं है, ये तो माया का कार्य है, इसको देख करके माया का अनुमान होता है, प्रकृति का अनुमान।
जड़ को देख करके जड़ के कारण के रूप में माया का अनुमान होता है। माया असल में ज्ञानी की दृष्टि में तो माया है नहीं, इसलिए माया है ये कहना नहीं बनता है। और अज्ञानी की दृष्टि में माया का अभाव नहीं है, तो माया नहीं है या ज्ञानी की दृष्टि में माया नहीं है ये तो नहीं कहा जा सकता, और ज्ञानी की दृष्टि में माया है ये नहीं कहा जा सकता। तो एक दृष्टि से है एक दृष्टि से नहीं है, इसी को अनिर्वचनीय बोलते हैं। जैसे गीता में देखो मत स्थानि सर्वभूतानि, सब मुझ में है, मैं तो मत स्थानि भूतानि, मुझ में सब नहीं है। तो तत्वज्ञ की दृष्टि से परमात्मा में कुछ है ये कहा नहीं जा सकता, और अज्ञानी की दृष्टि से परमात्मा में कुछ नहीं है ये नहीं कहा जा सकता। वो अनिर्वचनीय ही है, इसी को अनिर्वचनीय बोलते हैं। तत्वा तत्वाभ्याम तत्वान्यत्व है। हाँ फिर माया मेताम तरंति से मामे वजे प्रपद्यंते माया मेताम तरंति से है भगवान। वो तो तरंति तरंति का अर्थ है कि फिर माया नहीं रहती है, एक दशा में माया रहती है एक दशा में माया नहीं रहती है। और ये कृष्ण भगवान है ना, उनको तो जब जो मर्जी आती है सब कर देते हैं। ये नहीं कि मैया से कह दिया कि माटी नहीं खाई तो क्या माटी नहीं खाई थी उन्होंने, माटी तो खाई थी, कह दिया कि माटी नहीं खाई क्योंकि बलराम की दृष्टि से माटी खाई थी, अपनी दृष्टि से माटी नहीं खाई थी, माटी उनका स्वरूप है। गोपियों से कह दिया कि मैंने झूठ कभी बोला ही नहीं है, तो गोपियां हंसने लगी, अभी कितनी बार हम लोगों के सामने झूठ बोल चुके हो। तो ये कृष्ण भगवान जो है वो जगत गुरु है ना, तो किसी चेले से कुछ बोलते हैं किसी चेले से कुछ बोलते हैं, गुरु जी जैसे चेले के अधिकार के अनुसार बोलते हैं, जो चेला जो बात बताने लायक हो उसको वो बात बताई जाती है। तो गुरु की गुरुवाई इसी में है कि सब चेलों के कल्याण के लिए उनके उनके मंगल की बात बताया करें, किसी को कह दिया पंचों की पूजा करो वही श्रेष्ठ है, किसी को कह दिया कृष्ण की पूजा करो वही श्रेष्ठ है, किसी को माई में लगा दिया, किसी को निराकार ही कर दिया, किसी को साकार कर दिया।